और इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन जिले से आ रही है। खरगोन विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। बालकृष्ण पाटीदार विधानसभा क्रमांक 185 के लिए प्रत्याशी तय किए गए हैं। जिले की 6 विधानसभाओं में से 3 पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद शनिवार शाम शेष 3 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर नामों को लेकर लग रहे सारे कयासों पर विराम लग गया है। भाजपा ने खरगोन सीट पर लगातार 4थी बार पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार के नाम पर मोहर लगाई है, जबकि भगवानपुरा में इंदर सिंह वासकले और बड़वा में विधायक रहते भाजपा में आए सचिन बिल्ला को मौका दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद पाटीदार ने कुंदादड स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर और हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया है। उन्होंने मीडिया चर्चा में कहा कि पार्टी ने मुझे 4थी बार प्रत्याशी घोषित किया है, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार और विधानसभा की जनता का भी आभार मानता हूं, जिनके स्नेह के चलते पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 4थी बार खरगोन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है, इसलिए मैं पूरी अपनी ओर से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही खरगोन की जनता का स्नेह और आशीर्वाद भी मेरी उम्मीदवारी का एक कारण है। मैं उनको भी बहुत बहुत खरगोन की जनता को भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कांग्रेस का विधायक था और इन 5 वर्षों में विकास के नाम पे खरगोन में कुछ नहीं हुआ, खरगोन जीरो पे रहा, और इसलिए जनता की बहुत इच्छाएं अभिलाषा है। मैं प्रयास करूंगा कि उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूं। पिछले समय में जब विधायक था तो बहुत सारे काम में विकास के और लोक कल्याण के काम किए थे, उन्हीं कामों की श्रृंखलाओं को और आगे बढ़ाएंगे। और हमारा एक ही ध्येय है, जो हमारी पार्टी का ध्येय, प्रधानमंत्री जी का ध्येय, मुख्यमंत्री जी का ध्येय, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो यही हमारा काम करने का जो मूल मंत्र है और इसके माध्यम से समाज को सुखी और समृद्ध बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।